अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा रिएक्शन पाकिस्तानी न्यूज़ ड्रामा जेंटलमैन टीजर 3 पर है। टीजर 1 और टीजर 2 पर हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुके हैं और ये आज हमारी टीजर 3 पर वीडियो बना रहे हैं। और दोनों टीजरों में हमने अपनी नई अपडेट आप लोगों को बताई है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब बोला ना कॉलर छोड़, जान ले लूंगा तेरी। बैठ गाड़ी में। शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोके रखा। चलो बीबी, पता किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी होगी मुलाकात। चुटकी में सारा मैं चला हूँ। मैं तो दूसरी मुलाकात भी याद है, तब भी आप भरे बाजार में किसी की टांगे तोड़े थे। खुदा की कसम नहीं, बस गलती से गोली चल गई थी। मैं भी भाई लोगों से गलती से बहुत नफरत करती हूँ। मेरी भाईगिरी को भूल जाइए। इकबाल मुन्ना में जो भाई था वो आज से मर गया। अब क्या होगा भाई? अब वो बैठकर सोचेगी कि जाते हुए मुन्ना ने क्या कह दिया है। उसके दिल में खलबली सी मच जाएगी, ना भूख लगेगी ना नींद आएगी। हाय मुन्ना सा। लड़की से माफी मांग लो फौरन पट जाती है। ना कर दिलबर। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। तो इसमें थोड़ा सा ये और इन्होंने थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा वो सस्पेंस आ गया ड्रामे के अंदर। ये हमारे सीधे मतलब जैसे कि उन्होंने जैसे कि ड्रामे में हमने अपना टीजर 1 में देखा, जैसे कि हमें टीजर 1 में देखा था कि हमारे से जब अदनान सिद्दीकी सर वो लेते हैं अपने इलाका वगैरह लेते हैं तो डबल फेसेस दिखाते हैं कि नहीं जी मैं लड़की के पीछे तो जाऊंगा नहीं, पीछे लड़की के पीछे भी जाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि इन्होंने टीजर 3 में यही चीज दिखाई है कि अपना ना ये बदमाशी को छोड़कर लड़की को मतलब के पटाने के चक्कर में लग गए हैं। क्योंकि ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से वो बताते हैं कि ना इसको भूख लगेगी ना इसको नींद आएगी। वही स्टोरी मतलब के साथ साथ नजर भी आ रही है, वो सीन नजर भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी लव स्टोरी ड्रामा भी इसको थोड़ा सा दिखाया जाएगा और फनी भी किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने थोड़ा सा भी टीजर भी फनी कर दिया तो आगे ट्रेलर तो अभी आई थिंक टीजर 4 भी आएगा, फिर ट्रेलर आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। ड्रामे के आगे तक लेके जाने में बहुत मजा आएगा। तो आजकल बहुत ड्रामे फेमस हो रहे हैं, इश्क मुर्शिद और भी जो अपना खैर ड्रामे इस तरह के बहुत फेमस हो रहे हैं। इसी तरह ये भी ड्रामा इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फेम लेगा क्योंकि इसमें हमारे सईद है। लास्ट टाइम भी जो हमारे सईद ने ड्रामा बनाया मेरे पास वो ड्रामा अभी तक लोगों को याद है, तो जिस तरह उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। तो इसी तरह मैं यही उम्मीद करता हूँ यही ड्रामा भी इनका इसी तरह से मतलब कि आगे तक लेके चलेंगे और इसी तरह से इसको ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, हिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, उसमें जो भी मजीद इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।